Someone is watching, I guess. Assalamu alaikum everyone. This is me, Aiman, from Homeschooling and Smart Parenting. As I have mentioned earlier that today we have another wonderful guest with us. And सब बहुत सारे लोग उनको पहले से जानते होंगे. वी हैव बीन देयर. हमने इंट्रोडक्शन सेशन भी किया था और साथ में हमने बच्चों का भी बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन करवाया था इनके साथ. तो आज हम फिर जो है अपने प्रीवियस गेस्ट के साथ आए हैं, लेकिन एक न्यू टॉपिक के साथ. सो प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट वी नीड टू नो दैट वी आर ऑडिबल. हमारी कोई साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है, इको तो नहीं है. तो मैं जब तक ये सेशन, बिकॉज वी आर कमिंग लाइव फ्रॉम द पेज, सो आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर दिस ऑन द ग्रुप एज वेल, ताकि ग्रुप मेम्बर्स भी इसको देख सकें. मीन वाइल प्लीज़ डू कमेंट और हमें बताते रहिएगा कि इफ़ यू आर ऑडिबल एंड विजिबल. So we are waiting for your comments. कैन यू प्लीज़, कोई कोई है जो हमें वॉच कर रहा है ताकि हमें कमेंट कर ले, हमें पता चल जाए कि वी आर ऑडिबल. आई कैन सी समवन, कोई हमें वॉच कर रहा है, बट कोई कमेंट. जस्ट वेटिंग फॉर वन कमेंट एटलीस्ट. और शैल वी स्टार्ट? ओके, स्टार्ट करते हैं, देन मेरे ख्याल में ग्रेजुअली सब ज्वाइन करेंगे. तो वी कैन स्टार्ट इट राइट नाउ. Here I have to. Okay, तो start करते हैं. Assalamu alaikum everyone. This is me, Aiman, from Homeschooling and Smart Parenting. And today I'm here with our guest, and we are going to have a wonderful session today. The topic for today is how to raise a confident child. मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मदरसों कंसर्न होता है. बहुत सारे बच्चे शाये होते हैं. I got a comment. Thank you so much. Yes, okay. Thank you so much, Subha. आई होप मैंने नाम से ही प्रोनाउंस किया. तो अक्सर पेरेंट्स को ये इशू होता है कि, और ऑफकोर्स COVID-19 के बाद से, कि बच्चे घरों में रह गए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका थोड़ा सा डाउन हो गया है. लोगों में आना जाना, उससे सोशल लाइफ थोड़ी सी उनकी डिस्टर्ब हुई थी. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी ऑन होल्ड हो गई थी. लेकिन अब जो है पेरेंट्स को थोड़ा सा इशू होता है, जब से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है, दे है देयर किड्स आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, और वो चाहते हैं कि हम इस तरह की, किस तरह से हम उनकी कुछ टिप्स या हैक्स हमें मिलें जो कि हम घर में मदर्स जो हैं वो बच्चों को करवाएं, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की तरफ मुतवज्जो हों. तो हमारा आज का टॉपिक कुछ इसी पे बेस्ड है. हम आज के टॉपिक में यही कुछ डिस्कस करेंगे और पेरेंट्स को बहुत सारे टिप्स हम शेयर करेंगे आज, कि हम किस तरीके से बच्चों का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हैं और किस तरीके से हम घर में बैठे कर सकते हैं. हम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कर सकते हैं, या किस तरीके से हम और भी, हम बहुत सारी हमारे पास टिप्स होंगी. तो इस सेशन को आपने एंड तक वॉच करना है. और इवन इफ़ यू आर नॉट देयर, आप उनको लाइव, आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है और आप अभी हमें नहीं ज्वाइन कर पा रहे, यू कैन स्टिल वॉच दिस सेशन. ये HSP यानी होम स्कूलिंग स्पार्क एंड स्मार्ट पेरेंटिंग वाले पेज पे मौजूद होगा. आप उन सारी मदर्स को टैग कर सकते हैं जो आपको लगता है कि दे नीड टू हेयर दिस सेशन, और वो उनके लिए मददगार साबित हो सकता है. एंड इवन यू कैन शेयर इट विद इन एनी ग्रुप, इवन ऑन द पर्सनल व्हाट्सएप लिंक, सबको आप शेयर कर सकते हैं और वो बाद में भी ये वॉच कर सकते हैं. सो लेट्स वेलकम मिस अरीज. उनको वेलकम करने से पहले हम छोटा सा उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे. ऑल्दो कि हमने बहुत दफ़ा जो है उनको यहाँ पे बुलाया है, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो बहुत दफ़ा आई हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने जो जब भी आई हैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशंस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव जो है उन्होंने इवन ऐसे सेशन भी करवाए हैं जहाँ पे बच्चों को इंटरेक्ट करवाया गया, जहाँ पे क्राफ्ट्स किए गए थे और जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंगेज हुए थे. और हमारा 14 अगस्त का था, इंडिपेंडेंस डे का, तो बहुत सारे बच्चे उनसे वाकिफ़ हैं. लेकिन फिर भी जो न्यू मेंबर्स हमें वॉच कर रहे हैं उनके लिए तो एक इंट्रोडक्शन बनता है. सो लेट्स टॉक अबाउट मिस अरीज और उनको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं. मिस अरीज
is a medical doctor, early years educator, English and Urdu phonics teacher. She is a Montessori directress and a digital content creator. She loves arts and crafts, storytelling, and her passion is to travel and explore Mother Earth. At the moment, she is running her FWL, which is Fun Learning with Miss Arij, virtual educational academy, which offers free and also paid programs with affordable fee. These programs are not only for kids, but also for our mothers as well. She's running her own YouTube channel as well, Fun with Learning by Miss A, and which is a hub of knowledge and fun. And let's now talk about the Fun with Learning by Miss A vision and mission. So the mission of this virtual academy is to promote love, care and kindness, and it aims to provide quality educational services all around the globe. So our topic for today is how to raise a confident child, and I would like to talk something about this topic, like if kids can build confidence when they are young, because there are many advantages of boosting up confidence from the early years of the children. So if kids can build confidence when they are young, there is more chance that they will lose their fear of public speaking. Growing into confident, expressive adults, public speaking for kids is one of the most essential skills to master. And it is even a talent that need to use throughout their education and their working life. That means this skill is not going to leave you anywhere. You are going to have this even as an adult. It's going to help you out in every phase of life. These skills are very, very, very important for every child. So they are not only going to help them in their education, but also in their personality, for their upcoming in the future, for everything they are going to do. Every step ahead, they are going to need this skill. So we are going to talk about these skills, and we are going to have a detailed discussion on these skills, the tips and hacks we required for the discussion for this skill, and even we'll be sharing some courses, online courses that are being offered to boost up these skills in your kids. So let's get started, and let's welcome Miss Arij here. Assalamu alaikum, Miss Arij. How are you? Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm fine, thank you. What about you, Ayman? How are you? Alhamdulillah, I'm too good. Bas jo hai hum यही आप सोच रहे थे कि कब इस टॉपिक के बारे में बात की जाए, लेकिन अब हमारे लिए मेरे ख्याल में ये टॉपिक अब इतना ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द हो गया है कि अब हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए. सो दैट्स द वेरी परफेक्ट मोमेंट जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्कूल अभी ही खुले हैं. पिछले 2-3 सालों से तो कोविड ने बिल्कुल बुरा हाल किया हुआ था. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे रीच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हमारे पास जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इस बारे में. तो मदर्स, अब हम जो है ना वन बाय वन इसको थोड़ा सा जाना लेवल वाइज लेके चलते हैं. इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग, अगर आप चाहते हैं आपकी बच्चे के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर योर चाइल्ड्स एज एंड योर कंसर्न अबाउट हिज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, एंड आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट इट विद आवर गेस्ट, एंड शी विल ट्राई टू आंसर इट लाइव हियर. तो अरीज, आप बताइएगा कि किस एज में हमें स्टार्ट करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे वर्क ऑन करने के लिए बच्चे के? जी, बिल्कुल एमन, मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि इसके लिए जो है एज जो है वो मैटर नहीं करती. ठीक हो गया वो ऐसे, फॉर एग्जांपल एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू विल हैव टू स्पीक इन पब्लिक. ठीक है, मे बी एट स्कूल, मे बी एट वर्क, आपको एक ना एक दिन तो बात करनी ही करनी है. द अर्लियर द बेटर, ये मैं बिलीव करती हूँ. द यंगर द अर्लियर द बेटर. जितना जल्दी बच्चों का एक्सपोजर इससे आप करवा देते हैं ना, उतना ही ज्यादा बेहतर होता है. ना सिर्फ ये बच्चे के लिए भी होता है, बल्कि उसकी ग्रूमिंग, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टीनेजर, ठीक है, वो बहुत टाइम से अपने पीयर्स के सामने कॉन्फिडेंटली बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते आ रहे हैं. ठीक है, वो उनसे बेटर हैं, या ही इज बाउंड टू बी अ बेटर स्पीकर देन द वन देन द एल्डरली, जो ऐसे एल्डरली हैं, जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जिन्होंने कभी पब्लिक के सामने बात नहीं की. ठीक हो गया. तो ये मैं समझती हूँ कि जैसे बच्चे हैं, उनको जो फियर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो अवॉइड करते हैं. जी हम क्राउड के आगे ना ही खड़े हो तो अच्छा है. टीचर ने हमारा नाम ले लिया, जी क्यों ले लिया, ओहो, वहां पे वो पैनिक में आज कर जाते हैं, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, एंड दे आर लाइक यू नो स्टक, वो पॉज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं.
तो इस तरीके से वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो कि जैसे कि भी आपने बताया, आई सेकंड विद दैट कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं, ये ना सिर्फ बच्चों को ये बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए बल्कि एजुकेशन में भी और आगे पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह की जो उनकी आगे इंशाल्लाह लाइफ है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी लेवल्स हैं, सब में ये बहुत उनके लिए काम आएंगे इंशाल्लाह। जी अमन, इंशाल्लाह। तो आज जो है हम और भी बात करते हैं ना भाई, कि किस तरीके से मदर्स को क्या क्या रोल प्ले करती हैं इस स्किल्स में डेवलप करने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरह की कोई एक्सरसाइज जो आप शेयर करना चाहें मदर्स के साथ यहाँ पे, जो अभी हमें वॉच करी हैं या जो हमें बाद में वॉच करेंगी, तो वो किस तरीके से घर में बैठे हुए बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल एमन, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आस्ट क्वेश्चन है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है जी। बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम होता है जी, हम अपने बच्चों को किस तरीके से कॉन्फिडेंट बनाएं, इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि वो शाय फील ना करें। ठीक हो गया। तो मेरे पास अगर मैं अर्ली ईयर्स की बात करूं, ठीक है, हम इंशाल्लाह ताला ये एज वाइज चलेंगे, जरा हम इस तरीके से कैटेगरी वाइज चलेंगे। अगर मैं अर्ली ईयर्स की बात करूं, सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी जो अभी भी हो रही है, स्कूल्स में हो रही है, बहुत सारी जगहों पे हो रही है, मॉन्टेसरी सेंटर्स में हो रही है, वो है जी शो एंड टेल एक्टिविटी। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है एमर, एंड टू बी ऑनेस्ट बच्चे अपने फेवरेट टॉयज लेकर जाते हैं और वो इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, भाई मैं तो इससे रोज खेलता हूँ, दे आर कंफर्टेबल विद दैट टॉय। अगर हम टॉयज की बात करें तो दे आर कंफर्टेबल विद दैट टॉय। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ कार, ठीक हो गया। नाउ मैं अब एक अर्ली ईयर स्टूडेंट हूँ, वाओ दिस इज माई कार, सो आई हैव टू टॉक अबाउट इट, टू शो एंड टेल, आई हैव टू टेल अबाउट दिस कार। ठीक हो गया। सो आई विल बी लाइक, ओ वाओ दिस इज अ पुलिस कार एंड द साइरन ऑफ द पुलिस कार इज लाइक and the color is black and white and blue and anyone can ask her, okay, can you tell me about the transport, what kind of transport is it, oh is it air transport or land transport, this is land transport and I like it very much because I play with it every day। जी बिल्कुल। तो आई लाइक इट एवरी डे, ठीक हो गया, तो मुझे भी बड़ा पसंद है ये, और एंड आई लाइक द आईज एंड द नोज एंड द फेस ऑफ माई कार, आई 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 जस्ट कांट लिव विदाउट इट, ओके कैन यू टेल मी हाउ मेनी व्हील्स आर देयर, ओ मैम देर आर फोर व्हील्स, 1 2 3 4, फोर व्हील्स, सो दिस इज द शो एंड टेल एक्टिविटी। आपने देखा कि एक बच्चे जो हैं किस तरीके से कॉन्फिडेंटली, इसमें बेनिफिट ये होता है कि अपना फेवरेट टॉय आप लेकर जा रहे हैं, या चले अपना फेवरेट कोई भी चीज और भी आप टॉयज के अलावा लेके जा सकते हैं, ठीक है, अपना फेवरेट फूड लेके जा सकते हैं, एंड यू कैन शो द फूड एंड यू कैन टेल। सिमिलरली यू कैन टेक योर स्पोर्ट, योर रैकेट्स, योर फुटबॉल, एंड यू कैन टॉक अबाउट द बॉल एज वेल, ओ wow this is my ball, okay the shape is round, it is round in shape and the color of my ball is yellow, I really like yellow color, when I finish my homework I always play with my ball with the permission of my mama and I play with my siblings as well, so I really love my ball, I take it everywhere with me। ठीक हो गया। तो ये है एमन, जो सबसे ज्यादा अर्ली इयर्स के शो एंड टेल एक्टिविटी हो गई है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप शो करते हैं और उसके बारे में बच्चे बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसके कलर के बारे में, शेप के बारे में, यूजेज के बारे में। फिर आपके बारे जो बात आ जाती है वो ये दूसरी इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज आप बच्चों के साथ कर सकते हैं वो है टॉक टू योर चाइल्ड। ये भी एक एक्सरसाइज है, एक बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है, अपने बच्चों से बात करें। एज पेरेंट्स, पेरेंट्स अपने प्रेशर में बहुत ज्यादा होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एक्सरसाइज है इस टाइम में, कि बच्चों से बात नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को अपने पर्सनल बॉन्डिंग में अपने बच्चों के बीच में लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि दे आर अनेबल टू टॉक टू देयर चाइल्ड। सो प्लीज talk to your child as much as you can, in this way they will be opening up to you, they will be having a strong bond,
एमन, मैं समझती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका अपने बच्चों के साथ बॉन्ड सबसे ज्यादा जरूरी हो. वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इनशाला दे विल बी फॉलोइंग यू एंड दे विल बी कॉन्फिडेंट इनफ. टू बी ऑनेस्ट, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग घर से ही स्टार्ट हो रही है. ठीक है, इसमें स्कूल से पहले किरदार आता है जी आपके घर का. ठीक हो गया. इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है, जैसे चूज एनी पेपर एंड सी द टॉपिक, एनी टॉय ले लें, ठीक है, एंड स्पीक, या कोई स्पोर्ट्स ले लें उसके बारे में आपने बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी मेरे पास आप कोई बॉक्स ले लें, बोल ले लें, कुछ भी ले लें, और उसमें आपने पेपर्स पे ऐसे लिख देना है. ठीक हो गया. नाउ लेट्स चूज, लेट्स चूज, लेट्स चूज, लेट्स चूज. ओके, सो व्हाट इज दिस? ओह, टेबल. सो एमन, हम टेबल के बारे में क्या बात कर सकते हैं? एक बच्चा टेबल के बारे में क्या बात सकता है? क्या आइडिया लग रहा है आपको? एक टेबल के बारे में बच्चे बहुत सारी बात कर सकते हैं, राइट? ओके, टेबल, आई एम हैविंग अ येलो टेबल एट होम एंड अ टेबल हैज फोर लेग्स and it can be brown or black as well and we put so many things on our table, for example books, and when we eat something we can put that thing on the table as well, we can play with it as well, we can pick it up and put it down slowly. So is tarike se ye ho gayi ji aapki ki aapne ek game bana diya aur us game mein aapne different jo hai likh diya. For example next aa gaya ji, okay, ऐसा होता है ना कि एनएच के बच्चों के बच्चों के बच्चों को पता तो होता है ये ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को पता तो होता है ये वर्ड क्या है, लेकिन दे कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड. उसके सेंटेंसेस बनाना उनके लिए हार्ड हो जाता है. और इवन मैं कहूंगी बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, अगर बड़ों को भी इस तरह के गेम्स खेलने चाहिए. क्योंकि कभी कभी हम बोले ना कि है ये देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने बल्कि मैं तो कहूंगी मदर्स अगर ये घर में ये चीज करेंगी तो वो खुद भी करने लग जाएंगी. बिकॉज क्योंकि ये हमारे इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं कि इसके बारे में हम क्या बात करें, है ना. लेकिन जब आप बच्चों को, मैं तो कहती हूँ कि जब हम बच्चों को टीच करवाते हैं तो वी आर, हम भी टीचर बन जाते हैं, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम भी स्टूडेंट होते हैं और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बल्कि बहुत सारी चीजें तो पेरेंटिंग तो है ही ना, वो करने का नाम, आप लर्निंग का नाम है. आप इवन अगर यू, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आपको लर्निंग करनी है. अगर आप जॉब करती हैं, वर्किंग है, वर्क करती हैं, तो भी आपको लर्निंग करना है. क्योंकि पेरेंटिंग में आपको हर जगह पे किसी ना किसी फेज ऑफ टाइम पे, चाहे वो बच्चे को वीनिंग करवाना हो, चाहे बच्चे को कोई और ट्रेनिंग करवानी हो, आपकी भी लर्निंग साथ साथ हो रही है. और हर बच्चे के साथ डिफरेंट लर्निंग होगी, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज नॉट द सेम. तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों को अपनी भी लर्निंग होती है, और जो ये टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, इसका एक अलग जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है. तो हमें लगता है कि हम एक चीज सिखा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दायरे में नहीं होता है, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें बच्चा सीख रहा होता है. उसमें आपकी बॉन्डिंग भी शामिल है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी है, उसमें आपकी भी लर्निंग हो रही है, उसको सवाब भी मिल रहा है. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीजें इस तरह से हो रही होती हैं, और बहुत सारी चीजें बच्चा जो है ना सीख रहा होता है. आपका टाइम, आपका, आपके एहसास को मौजूद, आपका एहसास का मौजूद होना, मदर्स का, और अगर पेरेंट्स हैं, फैमिली टाइम है, तो हमें लग रहा है कि दिस इज अ बोर्ड गेम. हम बहुत ज्यादा कभी कभार सोचते हैं कि बोर्ड गेम क्या है, क्या करना है इसमें, एक बोर्ड गेम है, चार लोग बैठ रहे हैं. लेकिन हम उसको, ये अगर डीपली अगर उसको स्टडी करें, तो हम करें कि हम चार लोग बैठे हुए हैं, हमारा एक फैमिली टाइम हो रहा है, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. बहुत सारी चीजें पेरेंट्स की बच्चों को पता लगती हैं, बच्चों को पेरेंट्स की पता लगती हैं. पेशेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि जाहिर है हम जिस लेवल पे हैं, बच्चा जिस लेवल पे है, उस लेवल पे वो नहीं सोचता, हमें वेट करना पड़ता है, उसका लेवल अलग है. अगर लूडो भी खेल रहे, तो अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ खेल रहे, इट विल बी डिफरेंट. 11 साल के बच्चे के लिए खेल रहे, इट विल बी डिफरेंट. तो वो पेशेंस लेवल आपका भी इंक्रीज होता है. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार बच्चों के साथ क्या खेलना है, बड़ों के साथ खेलते हैं, जल्दी हो जाएगा काम, खत्म हो जाएगा. बट लेकिन ये चीजें हैं, लर्निंग हो रही होती है. तो अरीज, ये इंशाल्लाह ये गेम बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी मदर्स के लिए, बहुत ज्यादा. अब देखिए, जैसे ही पेंसिल है, ये मन, हम पेंसिल कितनी कॉमन है ना, बच्चे यूज करते हैं, बड़े यूज करते हैं. इसके बारे में बोलना मतलब, फॉर एग्जांपल आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स जो है ना, मदर हैं, पेरेंट्स हैं, वो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देते जाएं कि अच्छा दिस इज अ पेंसिल, नाउ आई एम राइटिंग विद द पेंसिल, यस आई राइट विद माय पेंसिल, ओके व्हाट इज द कलर ऑफ योर पेंसिल. जब आप क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों को, दिस विल पुश देम टू आंसर. तो क्वेश्चन और छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स अगर आप बीच में डालेंगे ना, तो वो फिर मदर भी लर्न कर रही है और बच्चा भी लर्न कर रहा है. जी मेरी पेंसिल ब्राउन इन कलर है, ओके आई शार्पन्ड माय पेंसिल टुडे एंड इट लुक सो प्रीटी एंड आई वांट टू राइट विद माय पेंसिल एवरी डे. सो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स आप लिख लेते हैं.
और बहुत अच्छी बात आपने की है, बिल्कुल ऐसा ही है इमन। ये ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, बल्कि पेशेंस लेवल जो है बड़ों का भी और बच्चों का भी साथ में इंक्रीज होता है। इसके बाद आ जाती है जी एक्सरसाइज जो है प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक दे आर इंटरेस्टेड इन। यहाँ पर हम एज एन एडल्ट भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं जी हम ऐसे टॉपिक्स लें जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल फेवरेट बुक है, कोई कैरेक्टर है, मील है, कौन सा डे फेवरेट है, अबाउट फेवरेट टीचर, फ्लावर, ठीक हो गया, स्पोर्ट्स, गेम, वेदर के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ प्रेजेंटेशन की, तो ओके यू कैन शो द किड द फेवरेट बुक। ओ वाह, उर्दू इज माय फेवरेट बुक, आई लव उर्दू फोनेटिक्स, इसमें ना अलिफ अ से अंगूर भी हैं, आपको अंगूर अच्छे लगते हैं, मुझे अंगूर अच्छे लगते हैं, अच्छा अंगूर का रंग क्या होता है जी, अंगूर सब्ज होते हैं और जामुनी भी होते हैं, अच्छा अंगूर और कौन कौन घर में अंगूर खाता है, मम्मी खाती हैं, अब्बू भी खाते हैं, सारे खाते हैं। आपने देखा एक टॉपिक से शुरू हुए, अंदर ही अंदर हम चलते गए और एक एग्जैक्टली वो एक कन्वर्सेशन बन गई। तो इस तरीके से फेवरेट बुक के बारे में भी जो है आप बच्चों के प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। और ओल्डर बच्चों के बारे में मैं देखूं तो उनमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, कैन यू प्लीज टॉक अबाउट योर स्कूल, हाउ इज इट, हाउ वाज इट, ठीक है, कैन यू टॉक अबाउट योर फेवरेट वेकेशन, कैन यू टॉक अबाउट फेवरेट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना सिर्फ यंगर बच्चों को इंगेज करने के लिए बल्कि ओल्डर बच्चों के लिए भी। जी अच्छा, अरे ये तो एक्सरसाइज की बात हो गई ना। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो तो मदर्स की बात नहीं मानते, बहुत सारी मदर्स को ये शिकायत होती है, और ये बिल्कुल जो है रोज़ पूछने वाला क्वेश्चन होता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के पढ़ता ही नहीं है। तो अगर इस तरह की बोरिंग वो जो है हमारी प्रेजेंटेशन वाली, वो उन बच्चों के लिए होती है जो कि आराम से चले बैठ जाते हैं, उनको चिट्स करवा लिए, उनको हमने शो एंड टेल करवा लिया। कुछ बच्चे वाकई में जो है ना वो थोड़े से फन लविंग होते हैं, उनको एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, उनको इंगेज करने के लिए कुछ गेम्स चाहिए होते हैं। तो हम इस तरह के कोई गेम हमारे आपके जहन में हो जो कि आप शेयर करना चाहें मदर्स के साथ, कि वो घर में बैठे बैठे कुछ ऐसे गेम्स में इंटरेक्ट करवाएं। जैसे एक तो आपने बताया वो एक जो है वो पेजेस वाला जिसपे लिखना, लेकिन वो भी कभी कभार ना बच्चों को बोरिंग हो जाता है। तो इस तरह का कोई गेम जिसमें वो मदर जो है बच्चे समझ रहे हो कि हम जो है वो आराम से बैठ के गेम खेल रहे हैं, फैमिली टाइम हो रहा है और हम लोग मजे कर रहे हैं और जो है साथ में हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की, तो हर तरह के एस्पेक्ट्स और हर तरह की जो है वो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो अगर हम गेम्स की बात करें, उसमें भी बहुत मजे मजे की गेम्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टोरी टेलिंग कार्ड्स है, ठीक है। अब हर बच्चे को स्टोरी कहने का और सुनने का बड़ा शौक होता है। जैसे हम थे जी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे अम्मी अब्बू थे जी, वो हमें सुनाते थे और हम सुनते थे, ठीक है। मोस्टली बच्चों को जो है जी स्टोरी सुनने सुनाने का बड़ा ही वो शौक होता है जी, हमें हमें भी कहानी सुननी है और हमें भी जो है। अब आपने क्या करना है कि आपने कुछ कार्ड्स के ऊपर जो है वो कोई भी, जैसे टू कार्ड्स हैं, ठीक है, आपने टू कार्ड्स ले लिए हैं, कोई भी कार्ड्स, उसके ऊपर ऐसे वर्ड्स लिखते हैं कि जो कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल नाउ ये जी मेरे पास जो है फोर पेपर्स हैं और मेरे पास आ गया कौन सा, मेरे पास आ गया फिश एंड वाटर, ठीक हो गया, ये जो दो हैं मेरे पास आ गए। अब बच्चे से कहें जी इसको कनेक्ट करो, फिश और वाटर का क्या रिलेशन है, टॉक अबाउट इट। अब ये बच्चों को पता है, बच्चों को सी एनिमल्स में इंटरेस्ट होता है, बच्चों को बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट होता है, बच्चे अपने टॉयज लेकर आ सकते हैं और बच्चे बता सकते हैं ये जी फिश है, दिस इज द फिश एंड दिस इज द वॉटर, फिश लव्स टू स्टे इन द वॉटर, विदाउट वॉटर फिश कैन नॉट लिव एनी मोर, सो वन डे आई विल गो एंड वी विल बी गोइंग फिशिंग एंड वी विल बी गोइंग टू कैच सम फिश, वेरी ब्यूटिफुल वंस, एंड देन वी विल प्ले विद देम, और वट वी कैन डू इज वी कैन प्ले विद द वॉटर एज वेल। सो बहुत सारी चीजें आपने देखा कि एक बच्चा जो है फिश और वॉटर के बारे में अपनी बच्चों वाली लैंग्वेज में, जैसे यूज कर रही हूँ कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हैं, तो वो बच्चे ऐसी बातें कर सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल फिश एंड वाटर। फिर आप एज ए पेरेंट बताएं कि अच्छा और क्या क्या होता है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फिश एंड वाटर, सो दे कैन टॉक अबाउट दैट दैट फिश लव्स टू स्टे इन द वाटर एंड देर आर सो मेनी फिश देयर, जेली फिश, स्वॉर्ड फिश, डॉग फिश, शार्क, राइट, डॉल्फिन इज ऑल्सो देयर। सो बहुत सारे वोकेबलरी बिल्डिंग भी है, जैसे स्टोरी टेलिंग आपने की है। अब यह आ गया मेरे पास सेकेंड, बैग एंड शेल्फ।
नाउ दे हैव टू कनेक्ट दीज टू वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी. ठीक है, तो ये एक बड़ी जबरदस्त फन गेम है. ये मैंने पर्सनली मदर्स ने बड़ा ही मुझे ये किया जब मैं अपने सेशंस में ये करवाती थी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला कि इन दिस वे देयर चाइल्ड वाज एबल टू स्पीक. कुछ बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते थे, यस एंड नो. जब ये गेम मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ना एमन, देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग, दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टू देयर पेरेंट्स. फिर आ जाती है बात, और बच्चों को जो है जिस तरह ये आफ्टर डिनर फैमिली गेम है, ठीक है, बच्चों को कम से कम 1 से 2 मिनट बोलने दें जो बोल रहे हैं. अच्छा, हम जज भी बड़ा करते हैं, ये ना बोलो, ऐसे ना बोलो, लेट देम स्पीक, लेट देम एक्सप्रेस. वो डरते हैं इसलिए भी वो नहीं आगे बोल पाते कि हमें जज करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है. फिर आगे जो हमारे पास दूसरी आ जाती है गेम, वो आ जाती है जी मिरर गेम. मिरर गेम ये है, टेक अ मिरर, और ये ड्रेसिंग टेबल का मिरर है, उसके सामने बच्चों को खड़ा कर दें और बच्चे से कहें इसके सामने बोले, ठीक है, मिरर के बारे में बोले, चले कैबिनेट के बारे में बोले, चले टॉक अबाउट दिस चेयर, चले टॉक अबाउट मी योर मामा और योर पेरेंट और योर सिबलिंग. सो मिरर एक्सरसाइज में ये होता है दैट दे आर नोटिसिंग देयर एक्सप्रेशंस, दे आर नोटिसिंग देयर हैंड, देयर जेस्चर, देयर पोस्चर, देयर एवरीथिंग. सो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में हम आगे बात करेंगे ये सब कितनी इंपॉर्टेंट है. मिरर बिल्डिंग, यकीन करें, बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स को अगर आप देखेंगे, उन्होंने सब ने अपनी इंटरव्यूज में, अपने टॉक में ये बताया कि जी दे वर प्रैक्टिसिंग मिरर, ठीक है, दे वर प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर स्पीच करते थे, वो मिरर के सामने खड़े होकर के वो बात करते थे. फिर आ जाती है जी हमारे पास थर्ड, वीडियो में ये भी होता है कि आप यूजिंग वीडियो, ठीक है, आप फोन की वीडियो फ्रंट कैमरा कर दें, आप कोई भी वीडियो ले लें, बच्चे जो कैमरा शाय हैं दे विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड दे विल बी कैमरा फ्रेंडली बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू, यू नो, फर्स्ट दे वर नॉट बी एबल टू स्पीक बट नाउ दे आर एबल टू स्पीक. सो ये दोनों चीजें, ये भी मैंने पर्सनल यकीन करें नोट किया, मदर्स ने मुझे बताया कि जी मैंने फोन वीडियो कैमरा यूज करना शुरू किया तो मेरा बच्चा माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि जी वो सीनियर मॉन्टेसरी में जब वो प्रमोट हुआ है तो वहां पे वो बहुत सारे बच्चों के सामने खड़े होकर कुछ भी उससे आप कहलवा लो. और उन्होंने मुझे कल परसों लिंक्स शेयर किए हैं जी वो स्कूल के और अपने बच्चे के, कि ये देखें जी वो कॉन्फिडेंटली, तो किस तरीके से हुआ जी, उन्होंने वीडियो बनाती थी तो बच्चा उस वीडियो में जो है वो बोलता था. एक ये हो गया बड़ी मजे की गेम, और एक आ जाती है हमारे पास गेम आ जाती है, वो है Would I lie to you? ठीक हो गया, Would I lie to you? अब इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को दे दिया कार्ड्स पे कोई भी फ्रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक ऐसा लिख दिया जो उस किसी भी बड़ी ही इवेंट से, बड़ी ही फेमस इवेंट है या बड़ी ही यादगार मेमोरेबल इवेंट से रिलेटेड था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे को आपने कहा जी उठाओ कार्ड, उसने उठाया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ आर्म चेयर. नाउ उसमें ये होगा कि बच्चे ने बताना है इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा इवेंट, कोई उसकी हिस्ट्री बतानी है जो हुई हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई अंकल बॉट एन आर्म चेयर, इट वॉज ब्राउन इन कलर, ओ लास्ट वीक इट वॉज नो वेयर, वेन आई वेंट देयर इन द रूम आई वॉज अनेबल टू सी एनी आर्म चेयर एंड आई वॉज सो स्क्वेयर्ड, हु टुक आवर आर्म चेयर, एंड देन लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट आवर कजन प्रैंक्ड ऑन अस. ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऑन द स्पॉट बच्चा जो बनाता है ना, इसी तरह फिर ये देखें क्या आ गया दूसरा, बर्थडे के, राइट, ओ यस माई कजन हैड अ बर्थडे लास्ट मंथ एंड व्हाट हैपेंड ऑन दैट बर्थडे, आपने पूछना है. ठीक है, क्या हुआ था ऐसा उसमें, ओ दे वर अबाउट टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ माई कजन, दे ओपन्ड द बॉक्स एंड व्हाट हैज हैपेंड, ओ दे गॉट द रॉन्ग बर्थडे केक एंड नाउ एवरीवन वाज सो वरीड एंड फिर क्या हुआ. ठीक है, इस तरीके से जो है आप प्रॉम्प्ट्स देते जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते जाएं तो बच्चा जो है उसके बारे में बोलेगा. तो ये भी हो गया Would I lie to you game. ये भी बड़े मजे की गेम है, इसमें हिस्ट्री बताते हैं. ठीक हो गया, इसमें बच्चे उस इवेंट से रिलेटेड बात करते हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं. और जो हमारे पास लास्ट गेम है वो है जी इंटरव्यूइंग एन एक्सपर्ट. अब उसमें क्या करेंगे जी इंटरव्यूइंग एन एक्सपर्ट में, उसमें भी आपने कार्ड्स बनाए, उस पर टॉपिक लिखा और बच्चों को दिया, इधर ग्रैंड पेरेंट्स को बिठा दिया, खुद भी बैठ के बच्चे ये सिबलिंग्स के साथ भी कर सकते हैं, यंगर एंड ओल्डर.
ठीक है, यंगर बच्चों को जी आपने दिया फॉर एग्जाम्पल, ओके व्हाट इज रिटन ऑन दैट कार्ड, इट इज रिटन हाउ टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल. अब वो जी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा भाई बैठा हुआ है, ठीक है, उसको पूछेंगे जी हाउ टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल, प्लीज कैन यू टेल अस अबाउट दैट. तो जो इंटरव्यू ही है वो बताएगा जी दीज आर द वेज टू मेक अ गुड एंड प्रिटी टाइम टेबल बिकॉज आई हैव मेड माई सेल्फ लाइक दैट. ठीक हो गया. तो ये इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई में जो है, और उनके अपने लोग हैं वो कंफर्टेबल भी हैं. सबसे पहले बच्चों को हमेशा स्मॉलर ऑडियंस से एक्सपोज करें अपने घर वालों से, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो एनहेंस करेंगे. तो ये जी हमारी कुछ गेम्स थी जो हमने आज शो की है जी सेशन में. थैंक यू सो मच अरीज. अरीज के साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगी. वो ये कि जो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी रीड नहीं कर सकते, तो द मदर्स कैन यूज़ पिक्चर फ्लैश कार्ड्स उनके लिए, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा. दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा जो है इस चीज़ पे एम्फोसिस करता होता है मेरा, वो ये होता है कि प्रिटेंड प्ले, प्रिटेंड प्ले अगर आप बच्चों को जितना करवाएंगे ना, तो उससे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता ही है. लेकिन एक दफ़ा, जैसे हफ्ते में एक दफ़ा हो गया, वीकेंड में ही सही, आप लोग को जब भी टाइम मिले तो यू कैन क्रिएट एटमोसफियर, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, जैसे मेक अ रेस्टोरेंट आप इस तरह से बनाएं, बच्चों से चार्ट बनाएं और उनसे बोलें कि जो है ना आप उनके पास आएंगे, एंड अगर आपके पास आपके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, एक उसमें से वेटर बन जाए, असाइन रोल्स, रोल असाइन करें. ये 5 to 5 above ईयर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है. एक जो है वो वेटर बन जाए और एक इस तरह से बन जाए, और आप एज अ जो है उनके रेस्टोरेंट को विजिट करें. अगर इस तरह की गेम्स भी आप खेलें, या किसी दिन रेस्टोरेंट करवा के उसमें मेन्यू भी होगा, उसमें आप वो आपसे बातें करेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, और फिर इस तरह की कुछ कॉन्वर्जेशंस होंगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ कि कुछ चीज़ें जो है मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों में इंप्रूव करवानी है, तो उसी वक्त आप ना टोकें. और उसके बाद जब आप खेल रहे हो तो खेलते वक्त वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट करके उसको करेक्ट फॉर्म में आप बता दें, लेकिन ये मत बोलिएगा कि नहीं ऐसे नहीं करना. उसके अलावा आप इस तरह के बहुत सारे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. आप एक दिन रेस्टोरेंट खोल लें, एक दिन आप सेल्समैन बन जाएं, बच्चों के साथ वो चीज़ें करें कि भाई टमाटर बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, टॉय ले लें, मतलब टॉय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप ले सकते हैं घर में. तो आई हैव डन दिस विद माई किड्स और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी है. और एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन एक बहुत अच्छा जो है वो टॉय है जिसमें बच्चे जो हैं उनकी वो आवाज़ सुनते हैं. उस स्पीच डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और जब वो बातें करते हैं तो आप उनसे करवाएं. बहुत दफ़ा बच्चे शुरू शुरू में उसमें चीखते हैं और अला बला करते हैं कुछ, लेकिन आप उनको इनकरेज करें कि वो ऐसी चीज़ें बोलें जिस तरह से आप इंटरव्यू का उन्होंने आइडिया दिया, तो माइक्रोफोन से वो और मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं. तो इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करें, किसी दिन रेस्टोरेंट खोलें, किसी दिन पुलिस ऑफिसर बन जाए, किसी दिन आप डिटेक्टिव बन जाए, डिटेक्टिव बच्चों को बनना बहुत पसंद है. तो यू कैन डू ऑल दी स्टफ्स एट होम. अच्छा, हमारे पास क्वेरीज आई हैं अरीश, तो उसका आंसर जो है ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये आंसर जो है वो आपके उससे नहीं है कनेक्टेड, मैं फिर भी पूछ लेती हूँ. ये है फाइजा नसीर, और वो पूछ रही हैं कि बच्चे में हाउ टू कंट्रोल रेपिटेशन इन कॉन्वर्जेशन एंड एज वेल एज इन गेटिंग न्यू टॉय. जैसे बच्चा बार बार बोलता है आई वॉन्ट ट्रक, तो जब तक वो खरीद ना लें तब तक वो रेपिटेशन करता है. तो अरीज अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं आंसर दे दूँ, फिर आप दे दें, या आप पहले देना चाहेंगे? जी जी प्लीज प्लीज. अच्छा, तो अच्छा ये एज मैंने पूछ ली थी पहले से ही, जब आप बात करी थी गेम्स के हवाले से तो एज मैंने पूछी थी, तो नीचे उन्होंने बता दिया था 3.7 इयर्स. अच्छा फायजा, एक सजेशन मुझे आपसे, एक मतलब पहले तो मैं आपसे कुछ एक क्वेरी पूछूंगी, वो ये कि बच्चा दिन में कितने वर्ड्स बोलता है, बिकॉज देर इज अ सर्टेन वर्ड जिसको टर्म हम कहते हैं इकोलेरिया. स्पीच लैंग्वेज डिले में बच्चों को होता है, और जब बच्चे नए लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, सो दिस इज द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स व्हेन दे डू. सो माई सन वुड डू लाइक दैट, वो इकोलेरिया कहता है, वो उसको इकोलेलिया कहते हैं. यानी कि आप क्वेश्चन भी बच्चे से कर रहे हो तो वो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग वो क्वेश्चन को रिपीट करता है. तो अगर तो ऐसा कंसर्न है आपको और आपको लगता है कि योर चाइल्ड इज लैंग्वेज डिलेड, आई वुड नॉट से स्पीच डिलेड, क्योंकि वो इफ ही सेइंग आई वांट ट्रक इसका मतलब वो स्पीच डिलेड नहीं है, इज अ लैंग्वेज डिलेड. लेकिन अगर आपको लगता है तो आप ये इस एज के हिसाब से आपकी चीज़ें नोट डाउन करें, क्योंकि जब बच्चे लैंग्वेज पिकअप कर रहे होते हैं और जब जल्दी नई न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें उनके पास स्पीच नहीं होती, उनके पास मजीद लैंग्वेज नहीं होती, तो दे कीप ऑन रिपीटिंग इट, क्योंकि उनके पास और नई वोकैबुलरी नहीं होती. इफ़ आई एम राइट डू लेट मी नो फायजा. और अगर आपको लगता है कि नहीं वो बाकी बातें बिल्कुल ठीक कर रहा है, सिर्फ बार बार रेपिटेशन करता है, तो वो भी प्लीज़ डू लेट मी नो. कि रेपिटेशन का एक ही वजह होती है कि बच्चे के पास कम वोकैबुलरी हो, कम लैंग्वेज हो, या उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही हो. ही इज 3.7, ही इज़ न्यू टू लर्निंग लैंग्वेज, अभी उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है. अब अरीज आप बताइएगा. जी बिल्कुल, आई सेकंड विद एमन, ऐसा ही है बिल्कुल. और बहुत सारी हमारी मेडिकल फील्ड अब इतनी वास्ट हो गई, इतनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं,
और हर चीज को कैटेगराइज कर दिया गया है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप कोशिश करें कि आप कहीं बच्चे की बात को इग्नोर तो नहीं कर रही, ठीक है, ताकि उसको बार बार रिपीट करने का मौका, एक तो ये चीज है, आप इग्नोर ना करें, ठीक है, उसको फॉरन अटेंशन जो है, लैक ऑफ अटेंशन, जब बच्चों को लैक ऑफ अटेंशन की आदत पड़ जाती है ना, वो फिर इस तरह भी करते हैं कि मुझे अटेंशन ग्रैब करना है, और जब आप मना करेंगे दे विल रिपीट मोर, दे विल रिपीट मोर। तो ये चीजें जो हैं बिल्कुल मैं सेकंड करती हूँ एमन के साथ कि आप जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप पीडियाट्रिशियन जो है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे और कैसे आगे चलना है उसके बारे में भी आपको गाइड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कंसल्ट, अर्ली ईयर्स हैं अभी, लेकिन ये है कि जो चीज अर्ली ईयर्स में ही थोड़ा सा जो है ना पेरेंट्स की परेशानी भी दूर हो जाती है, तो वो भी आपको बेहतर जो है इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप घर में उसको अटेंशन पूरी दें और उसकी किसी भी बात को इग्नोर ना करें, और उसको प्यार से बिठा के समझने की कोशिश करें और समझाएं कि बेटा ओनली वंस, ओनली वंस, ठीक है, एक थोड़े से बीच में उसको याद करवाती रहें कि आपने एक बार मेरा बेटा पूछना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुन लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब उससे यकीन दिलाएंगी ना तो इंशाल्लाह इट विल बी रिड्यूस्ड। जी अच्छा, हाँ, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन था रीच के, क्या स्किल्स होनी चाहिए एक बच्चे में अगर वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाह रहे हैं तो? बिल्कुल एमन, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई दफ़ा हमें नहीं पता होता कि एज ए गुड पब्लिक स्पीकर क्या है। मैं ये पर्सनली अपने हर सेशन में, अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को ये बताती होती हूँ कि बेटा, अ गुड पब्लिक स्पीकर इज अ गुड स्टोरी टेलर, ठीक हो गया, जो ज्यादा अच्छी कहानियां बना सकता है वो एक बड़ा जबरदस्त जो है वो स्पीकर भी बन सकता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसे स्किल्स हैं, तो मैं ये मानती हूँ सबसे पहले तो जी आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपकी आपका पोस्चर आ जाता है, ठीक है, आपका कैसा पोस्चर है, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा, हम इसकी डेप्थ में थोड़ा सा जा रहे हैं, ठीक है, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट आ जाता है, क्या बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ठीक है, न्यूट्रल हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, किस तरीके से है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चों में होने चाहिए, ठीक है, वही बात आ जाती है, द मोर दे विल कम्युनिकेट द मोर दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज टू द ऑडियंस ऑन अ वाइडर रेंज, ठीक है। फिर आ जाती है जी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्या आपके पास ये टाइम है, जो बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं, डिबेट्स में भी लैक हाँ, करते हैं और राइटिंग में भी एग्जैक्टली, लैक करते हैं जी, 2 घंटे हैं, पेपर नहीं हुआ, पेपर छोड़कर आ गए, डिबेट के बिल्कुल, 3 मिनट पे चला गया जी, 10 मिनट के बाद, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स उनमें होने चाहिए जो कि पेरेंट्स को डेवलप करने हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है कि हमेशा स्मॉलर ऑडियंस से जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है जी, उनकी प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन के बहुत सारे तरीके हैं जी, आप जाते हैं वेबसाइट पे, वहां पे लिखें ये वर्ड है, इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, वो वॉल्यूम करें तो उस पर आपको फॉरन ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनंसिएशन भी मिल जाती है आपको, वो कोई मुश्किल काम नहीं है सीखना। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के लिए पहले से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, रिवर्स करें, ग्रामर, ठीक है, वोकेबलरी आपकी अच्छी हो, ये सारे जो हम देख रहे हैं, आपकी वॉइस, आपकी टोन, आपकी पिच, जिसको हम वॉइस मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये बच्चों की जो है उस पर काम करना होता है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनमें बच्चे ये समझते हैं कि जैसे हम, और एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, ये स्टोरी टेलिंग की जो हमने भी पीछे गेम्स डिस्कस की हैं, ये स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो हैं वो बच्चों में बिल्ड करती हैं, ये उनमें इमेजिनेशन बिल्ड करती है, उनकी क्रिएटिविटी इन्हेंस करती है, उनका फोकस बिल्ड होता है, एंड दे आर एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू, और प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स जितने ज्यादा बच्चों को आप देंगे ऑन द स्पॉट दे विल बी एबल टू स्पीक वेल, ये स्किल्स जो हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा अरीश, आपको है। लगता है कि ऐसे कोर्सेज जो पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज आजकल ऑनलाइन वगैरह आ रहे हैं, वो बच्चे की मतलब कुछ फ़ायदा होता है उन इन कोर्सेज में इनरोल करने का? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं ये समझती हूँ एमन के अगर एक पैशनेट और एक बड़ा ही कम्पिटेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्यूटर है, ठीक है, अब उसकी कम्पिटेंसी कहाँ पर जाके मैच करेगी, वहां पे जाके मैच करेगी जहाँ पे एक स्टूडेंट है हु इज विलिंग टू लर्न, हु इज विलिंग टू एब्जॉर्ब।
सो आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स दैट इट इज अ टीम वर्क. ठीक है, एक कम्पिटेंट पब्लिक स्पीकर, ठीक है, या ट्यूटर बंदा तभी बन सकता है जब आपके अंदर विलिंगनेस हो लर्न करने की, क्योंकि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. ठीक है, ये एक टीम वर्क हो गया. तो डेफिनेटली जब दोनों मैच कर जाएंगे तो अच्छी चीजें तो सामने आएंगी. ठीक हो गया. और ये डिपेंड करता है लर्नर पे, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है रेदर देन मेंटोर पे. ठीक हो गया. और जो मेंटोर है वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे. ठीक है, जहां पर आप लैक कर जाते हैं वहां पर मेंटोर की हेल्प जरूरी होती है. कई दफा नहीं पता होता कि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं. मेंटोर विल हेल्प यू इन रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रेंथ एंड दैट वीकनेस इन यू, एंड दे विल वर्क विद यू ऑन द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस. ठीक हो गया. इसलिए भी आपको मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए भी आपको एक अच्छे गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. इन पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज की इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो आपकी हेल्प करते हैं टू हॉन योर स्किल्स, टू पॉलिश योर टैलेंट. ठीक हो गया ना. वो आपको वहां वहां पे गाइड करेंगे जहां पर आप खुद को बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मेंटोर जो है वो आपके साथ आपके सामने आता है. तो ये आपकी हेल्प करता है प्रिपेयर करने में, आपकी हेल्प करते हैं प्रैक्टिस करने में, आप उसके साथ रिहर्स कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक पैकेज की सूरत में आपको कोर्सेज में मिलती है. जी अच्छा, तो अरीज अब आप भी बताएं कि कहाँ पे इनरोल करवाना है. कहाँ पे इनरोल करवाना है आप बताएं कि अरीज, क्या हमें ऐसे मौके, मतलब आपके पास कोई ऐसा कोर्स है जिसमें हम बच्चों को करवाएं कि हमें तो अरीज पे एतबार है, हमें और किसी पे एतबार नहीं है. बहुत सारे लोगों को होता है. नहीं, बाकी में दिस इज़ ऑनेस्ट, आजकल बहुत सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं. जोक्स अपार्ट, हमारे पास बहुत सारे, हम हर जगह तो इनरोल नहीं कर सकते. ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोर्सेज पे भी उन्हीं के ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए जो कि ऑलरेडी बच्चों के कोर्सेज आपने उनमें उनमें इनरोल करवाया हो, जिनको आप शुरू से जानते हों, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म से आपके पास हों जिनको आपको पता हो कि नहीं है, उन पर जो है ट्रस्ट कर लेना चाहिए, और आप बच्चों को इनरोल करवाएंगे तो दे वुड लर्न समथिंग. तो इसी लिहाज से मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम बहुत सारे हमारे पास एड्स आते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसकी जो है ना वो जेन्युइन है कि नहीं है, या इस तरीके से फेक है. तो अगर अरीज आपके पास कोई इस तरह का कोर्स है जो कि आप बच्चों को प्रोवाइड करिए तो प्लीज़ उसकी डिटेल्स बताइएगा. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई एम ओपनिंग अप टू दिस. अल्हम्दुलिल्लाह, FWL पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स प्रोग्राम है. अल्हम्दुलिल्लाह इसका फिफ्थ बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है. माशाल्लाह, ये कोविड के दौरान ही स्टार्ट हुआ था सारा. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2.5 ईयर्स ओल्डर बच्चे जो हैं, 3 ईयर्स के भी, 4 ईयर्स के भी, डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे काफी जो है इसको कवर करके माशाल्लाह गए हैं. और ये जो है ये जूम पे भी होता है और व्हाट्सएप पे भी होता है. व्हाट्सएप पे आपको होम टास्क दिए जाते हैं री इन्फोर्समेंट के लिए. इसमें बच्चे जो हैं जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच. ठीक है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है. व्हाट्सएप पर जितना मर्जी ऑडियोज भेजें, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, अपनी वीडियोज बना के भेजें. ठीक है, अपनी वीडियोस बना के भेजें. आप ड्यूरिंग द सेशन वीडियो पे मेरे से बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे आगे चलना है, क्या इसमें ठीक करना है. मोनोलॉग सीखते हैं बच्चे, डायलॉग सीखते हैं. ठीक है, इसके अलावा सोशल स्किल्स उनके डेवलप होते हैं. वो किस तरीके से जब अपने फेलोज को भी वो वही करता हुआ देखते हैं तो उनके सोशल स्किल्स और ज्यादा इन्हेंस होते हैं. और एमन यकीन करें, ये पब्लिक स्पीकिंग इतना वास्ट फील्ड है. टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये खुद स्टार्ट किया, मैंने खुद इस पर पढ़ा, रिसर्च की, बड़ी चीजें मैंने खुद भी सीखी कि मैं हैरान रह गई, वाओ दिस इज टू मच. ऑब्जेक्ट स्पीच, ठीक है जी, फिर है हम आगे इसकी इंशाल्लाह ताला वो भी देखेंगे. ऑब्जेक्ट स्पीच क्या है जी? ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउ दीज आर दी बिनोक्युलर्स. ओके, बिनोक्युलर्स हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ जो यंगर बच्चे हैं उनके लिए व्हाट वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट बिनोक्युलर्स, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. ठीक है, दे आर यूज्ड टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, द कलर, द टेक्सचर एंड द प्राइस एंड एवरीथिंग. लाइक ऑब्जेक्ट स्पीच है, फिर इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीच है, एक्सटेम्पोरेनस स्पीच है. स्पीच की इतनी टाइप्स हैं, पर्सुएसिव स्पीच है. ठीक हो गया, ये सारी हम 7 to 8 टाइप्स जो हैं वो इस प्रोग्राम में सीखते हैं. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द एज, दिस प्रोग्राम इज फ्लेक्सीबल अकॉर्डिंग टू द एज. ठीक है, जो बच्चे की एज है उसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यंगर बच्चे, ठीक है, इस प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं. मैंने उनको कोई भी, मैंने उनको दिखा दिया, इमेज दिखा दिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी अबाउट दिस. ओ, रैबिट का सबको पता है.
ठीक है, ओ वाह दिस इज अ रैबिट, फिर वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, आई बॉट अ रैबिट मैम, सी दिस इज विद मी नाउ, और उनके पास कोई रैबिट से रिलेटेड पेंसिल है या उसके ऊपर रैबिट बना हुआ है, कोई बैग है, देन दे विल टॉक अबाउट दैट, ओ वाओ रैबिट आई रियली लव इट, ओके आई विल एनकरेज देम टू स्पीक अबाउट इट मोर, ओके व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट, व्हाट द रैबिट ईट्स, ठीक है, ओ कैरेट्स, सारे बोलेंगे जी जोर से खुश हो गए, जी कैरेट्स ईट करते हैं जी, हम लोग कैरेट खाते क्या, ओके वेयर डज द रैबिट लिव, ओ इन द होल्स, इन द बरोज, अंडर द ग्राउंड, उनके बरोज होते हैं, अच्छा आपने देखा कि इतनी छोटे से टाइम में, ठीक है, बच्चे ने कितनी वोकेबलरी सीख ली, राइट, जो उसको नहीं भी पता था वो भी उसने सीख लिया, ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कोई फ्रूट दिखा दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ जी इसके बारे में, ठीक हो गया जी, पोमग्रेनेट के बारे में, अब उसने बताया, या अगर आप उर्दू में अनार, ठीक है, तो आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में ये प्रोग्राम चलता है, ठीक हो गया, और कंफर्ट लेवल के हिसाब से बच्चा जो सही अंडरस्टैंड करता है उसके हिसाब से, ओ वाओ अलिफ अनार ये तो मुझे बड़ा पसंद है, ये लाल होता है मैम, मैं तो अनार बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे यकीन करें बड़े बच्चों ने इस पे 8 मिनट बात की है कि अनार और मेरा फेवरेट है ये, मैं खाती हूँ, अब मुझे अनार खाना है, मेरा दिल कर रहा है, मैं कैसे कहूँ, ये लाल रंग का होता है और इसमें छोटे छोटे दाने भी होते हैं मिस, और मैं इन दानों को काउंट भी करती हूँ। आपने देखा छोटी छोटी चीजें, अगर आप छोटी छोटी इमेजेस दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं और नहीं तो किसी चीज की, तो जिस जंगल के बादशाह की बात कर ले, ठीक है जी, लॉयन द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द माउस, और आस्ता आस्ता करके वो लाइन के बारे में बताएंगे जी, लॉयन किंग में हमने लाइन देखा था, है वो मूवीज भी याद करेंगे, वो एनिमेशन स्टोरीज भी याद करेंगे। सो इसमें हम पिक्टोरल भी चलते हैं, जो छोटे हमारे पास अर्ली बच्चे ईयर्स के बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उन्हें ये दिखाया, ठीक है, दिस इज एनिमेट, ओ वाओ व्हाट इज दिस, दीज आर द बटन्स, ओके व्हाट इज द शेप ऑफ द बटन्स, दे आर स्टार शेप बटन्स, स्टार, वाह जी वाह, ओके कैन यू सी द कलर्स मैम, दे आर येलो इन कलर, पिंक भी है, ये पर्पल भी है, ब्लू भी है, वाह ब्यूटीफुल, ओके कैन यू टेल मी वेयर आर द बटन्स, लाइक कैन यू टेल मी वेयर यू कैन सी द बटन्स, ओ आई कैन सी द बटन्स ऑन माई ट्राउजर्स, ऑन माई शर्ट, ऑन माई जैकेट, ऑन माई ग्लव्स, एंड समटाइम्स दे आर देयर ऑन द शूज एज वेल, जस्ट एज इन डिजाइन, ठीक हो गया, फिर वो आपको बताएंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आई विल से, ओ वट इज दिस, Miss, this is a candy box. I really love candies. Oh, these are the heart-shaped candies. So, इस तरीके से images और flash cards का सहारा लेते हैं। आप बात करते हैं, जैसे for example, what is this? Oh, this is a scooty. So, what kind of transport is this? This is the land transport. This is red in color. I really love that. So, इस तरीके से एमन बहुत सारी चीजें जो है हम बच्चों को, वी कैन शो द बस, राइट, वी कैन टॉक अबाउट इट, तो इस प्रोग्राम में ये सारी चीजें जो है वो यूज होती हैं, हम टेडी बेयर जो है दिखाकर उस पर भी बहुत सारी बातें जो है वो बच्चे कर सकते हैं। सो डिफरेंट इस प्रोग्राम में बात होती है जी एमन। अच्छा, तो बहुत सारी मदर्स के पास ये क्वेरी होती है, तो हमें बहुत अच्छा कोर्स के बारे में पता चला कि अरी जो है ना ये कोर्स ऑफर कर रही हैं, बहुत सारी मदर्स कहती हैं, बहुत सारे बच्चों के यूट्यूब चैनल्स भी बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ फेसबुक पे भी अपने बच्चों की शेयरिंग कर रही होती है वीडियोज़, लेकिन कुछ मदर्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं क्योंकि उनको पब्लिकली अपने बच्चों का पिक्चर या वीडियो नहीं शेयर करनी होती है, तो इस कोर्स में ज्वाइन करने से आपको ये होगा फ़ायदा कि आप अरीज को पर्सनली कर सकते हैं, वो एज अ मेंटर उनको गाइड करेंगी, उनको हर तरीके से जो है उनको टिप्स वगैरह बताएंगी, उनकी वीकनेसेस पे काम करेंगी, तो इसमें कोई प्राइवेसी इशू भी नहीं होगा, और आपको पता होगा कि एक काबिले एतमाद टीचर है उनके पास जो उनको गाइड कर सकती हैं, उनके वीकनेसेस पे वर्क कर सकती हैं, और साथ ही साथ आपको लिए ये भी फायदेमंद होगा कि जो बच्चा इनरोल होगा वो बाकी बच्चों की भी स्पीचेस देखेगा और उससे भी लर्न करेगा, तो वो घर बैठे बैठे उसके लिए ये आसानी हो जाएगी कि अच्छा मेरे ही हम उम्र या मेरे ही जो है फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे साथ हैं और उसके साथ वो जो है वो कर रहे हैं, साथ साथ मेरे साथ इस बातें कर रहे हैं और मेरी तरह के ऑब्जेक्ट्स पे जो है जो हमें मिस दिखा रही हैं वो वैसे बात कर रहे हैं, तो मैं भी इस तरह से बात करूंगा, तो वो भी एक तरीके से उनके लिए बूस्टिंग कॉन्फिडेंस होगा। अच्छा, तो अरीज आपके पास कुछ इस तरह की वीडियोज़ वगैरह हैं जो कि आपके पास स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनरोल हुए हैं जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी ताकि उनको आइडिया हो कि किस तरीके की जो है आपकी वो है, क्योंकि हमें अंदाजा तो हो गया आपकी पिक्चर्स वगैरह देखे कि माशाल्लाह बहुत ही इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो मदर्स खासकर उनकी क्वेरी होगी कि वो जो स्टूडेंट्स आपके पास ऑलरेडी इनरोल्ड है ताकि उनकी भी वीडियोस देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एमन, और
एक और बात ऐड कर दूं, जस्ट 1000 PKR पर मंथ जो है इसकी फी है, और हाँ 8 सेशंस अ मंथ है, ठीक है, और 2.5 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7+ बच्चे भी जो है इसमें एनरोल हो सकते हैं। बिल्कुल एमन मेरे पास हैं, और थैंक यू सो मच। मैं जो है वो दिखाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का जो दें। जी जी मैं करती हूँ, और मीन वाइल मैं जो है अरीज की जो है वो लिंक भी शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ, जो भी उनका ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का, और साथ ही साथ जो उनके प्रोग्राम का लिंक है, मीन वाइल अरेंज आपको जो है ना वो करती हैं सारी चीज़ें। जी अरीज आपकी स्क्रीन नहीं आई है? जी अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं जैसे बड़ा ही दिस प्यारा। सॉन्ग इज फॉर माई टीचर। आई लव टीचर, तो आपने देखा कि वो माशाल्लाह से जो है वो इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है शी इज हरीम। हरीम, हरीम मैंने पहचान लिया क्योंकि हरीम तो हाँ हमारे ग्रुप का बहुत जो है माशाल्लाह शाइनिंग स्टार है, और ये तो माशाल्लाह है भी बहुत छोटू सी और क्यूट सी, क्योंकि इनकी वीडियोस मैंने देखी हुई है। मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा आपके पास वीडियो, लेकिन इनकी वीडियो इनकी मदर शेयर करती रहती हैं, तो एवरीवन नोज हरीम मेरे ख्याल में। एंड इफ हर मदर इज वॉचिंग दिस सेशन, तो माशाल्लाह हरीम के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, शी इज अ शाइनिंग स्टार माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह से जो है ये हैं जी हमारी स्टूडेंट, ये भी बहुत Assalamualaikum, my name प्यारी is हैं, Ihan इहान। Yusuf and I live in Lahore. Attending these meetings is great fun. It's as awesome as eating dessert. A cup of great dessert, chocolate dessert, and that is totally awesome. तो ये आपने देखा कि कैसे इहान बात कर रही हैं। इसी तरह हमारे पास हैं महरीन, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ, आप ये मेरे फेसबुक ग्रुप पे जाकर मीडिया सेक्शन में देख सकते हैं वीडियोस में। ये महरीन है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया माशाल्लाह जब इन्होंने ज्वाइन किया था। तो जी Communication. Communication is basically when you go somewhere out of your house. And I've gone to many places. Mainly, mostly I go to my nan's house in शी Bangalore. इज टॉकिंग अबाउट द वेकेशंस, और बड़ा ही अच्छा उन्होंने जो है वो वेकेशन के बारे में बताया है। तो इसी तरह से ये हैं जी एक और हमारे पास, मैं इसको ओपन करती हूँ, कहाँ है, जवेरिया हैं, उनकी भी मेरे पास वीडियो जो है वो यहाँ पे शेयर हो रही है जी। जिस मौजूद से जब खुशहाली का मौका मिला है उसका मौजूद आजादी पाकिस्तान। मैं अपनी तकरीर का आगाज शेर से करती हूँ। परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा, परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा, आंखों का उजाला ये चांद के सितारा। प्यारे साथियों, 14 अगस्त हमारी आजादी का दिन। तो ये भी है, और बहुत ही ज्यादा मजे की जो है ये मुतहिर हैं, इनकी भी वीडियोस आप चेक कर लें। तो ये सारे बच्चे जो हैं इन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली अब माशाल्लाह से ये मुझे अपनी वीडियो सेंड करते हैं, डिबेट भी करते हैं, स्पीच भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं आपको टेस्टिमोनियल भी जो है वो शो करती हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, टेस्टिमोनियल भी है।
और मैं यहाँ पर भी शेयर करूँगी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स प्रोग्राम की डिटेल्स भी शेयर करूँगी, और इसके अलावा मैं आपके साथ टेस्टिमोनियल जो है वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये टेस्टिमोनियल है अलीशा की मामा का और बड़ा ज़बरदस्त है, आप पढ़ सकती हैं। माशाल्लाह उनकी जो बेटी हैं अलीशा, वो मेरे पास फोनिक्स में भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग सेशंस में भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उन्होंने अपना ये प्रोग्राम्स कंप्लीट किए हैं, और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़ आप मेरे फनरेज लर्निंग बाय मिसे पेज पर भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पब्लिक स्पीकिंग सेशंस की डिटेल्स भी, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये ठीक हो गया, तो यहाँ पर हाइलाइट्स भी हैं सारी और डिटेल्स भी आपको शो हो रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये बड़े बच्चे जो होते हैं उनके क्या टॉपिक्स होते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी, तो बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो इस वक्त टॉपिक्स भी हैं। और आप देख सकते हैं मैंने आपको टेस्टिमोनियल्स भी दिखा दिए हैं, वीडियोस भी दिखा दिए हैं, और मैं ये समझती हूँ कि हमको हमेशा जो है वो एक मेंटोर चाहिए होता है, और एक हमें गाइडेंस के लिए जो है वो हमें एक गाइडेंस के लिए जो है, ताकि वो ऐसा मेंटोर और ऐसा ट्यूटर जो बता सके आपको उसके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। जी एमन, हमने वीडियोस भी देखी, हमने सेशन की डिटेल्स भी देख ली, हमने टेस्टिमोनियल भी देख लिया। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा मोबाइल जो है वो बिल्कुल बैटरी लो थी और मैं चाह रही थी कि बाद में चार्ज करती हूँ, लेकिन बाद में याद आया कि मेरा लैपटॉप मोबाइल से ही कनेक्टेड तो ऑफ हो गया, सो सॉरी। कभी कभार जो है ना मॉमी माइंड होता है ना, ये सबके साथ है, तो आई होप के जो है ना ये थोड़ी सी जो है ना मेरी मिस्टेक दरगुजर हो जाएगी, क्योंकि हम सब मदर्स हैं, हम सब आजकल इसी जो है ना लेवल पे हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करें, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ओके अरीज, तो मेरे ख्याल में हाँ एक क्वेश्चन आया था, आई एम सो सॉरी, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। वो क्वेश्चन ये था अरीबा वकास का था, एंड शी वॉज आस्किंग कि व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव पेशेंस लेवल। जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, देखिए पेशेंस लेवल कोई ओवर नाइट स्किल नहीं है, ठीक हो गया। एज मदर्स हमें पता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि हम क्या करते हैं जी, ये ग्रेजुअली जो है ना आपके अंदर आता है। जब आप डिफरेंट सर्कमस्टांसिस से गुजरते हैं, डिफरेंट हार्डशिप से गुजरते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप में आता है। इट इज़ नॉट एन ओवर नाइट थिंग, बट इसको इम्प्रूव करने के लिए आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अल्लाह की मदद से बड़ी और क्या है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा आप खुद को समझा सकते हैं, खुद को काम डाउन कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू एंजाइटी, रिलेटेड टू यू नो के भी आपकी कोई स्ट्रेस है उससे रिलेटेड भी आपके कामिंग जो है सूदिंग इफेक्ट लाने के लिए आपके माइंड के लिए ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीथ करें, जब भी आपको कभी भी एंजाइटी या पेशेंस लूज करने लग जाए, ट्राई टू ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 5 से 10 जो हैं आप ब्रेथ्स लेते हैं, देन यू विल बी फीलिंग गुड एंड यू विल बी फीलिंग फ्रेश। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, और हमने ये फन विद लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स मैंने करवाई हैं मदर्स को, और इंशाल्लाह आगे भी मैं लेकर आऊंगी, और इसी प्लेटफॉर्म पे भी पता चलेगा इंशाल्लाह, तो आप वो जरूर अटेंड कीजिएगा। तो वो भी बहुत सारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी, एमन के बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक है, और इसको भी जो है वो आगे लेकर चलेंगे।